हेलो दोस्तों, अगर आपने भी आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म भरा है और आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं इसमें आपको बताऊंगा कि कब एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट हो सकती है, क्या क्या पूछा जाएगा, प्रमोशन के क्या चांस है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी इसके लिए। तो सबसे पहला पॉइंट है कि अभी कुछ दिन पहले से क्या हो गया है कि सोशल मीडिया पर ये पूरा का पूरा हल्ला हो गया है कि एग्ज़ाम डेट आ गई है। एग्ज़ाम डेट अभी ऑफिशियली नहीं आई है। इसके संबंध में आपको सूचना आपके मोबाइल और ईमेल पर दे दिया जाएगा, तो इसके लिए आप धैर्य रखें और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होने वाला है उसके लिए कड़ी मेहनत करें। तो इस तरह की कोई अभी एग्ज़ाम डेट नहीं आई है, इसको लेकर पूरी तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है, इस बात को अच्छे से समझ लें। अब देखते हैं कि एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट क्या हो सकती है। देखिए, जब फॉर्म आए थे उस समय ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से ये जो एग्ज़ाम अप्रैल और मई में होने की बात कही गई थी, लेकिन बेतहाशा जो वृद्धि हो गई थी फॉर्म्स की, उसकी वजह से अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि मई के महीने में ये एग्ज़ाम हो पाए। तो ये हो सकता है, मई के महीने में तो नहीं होगा, लेकिन ये पॉसिबल है कि ये अब से 2 या 3 महीने बाद, यानी कि जुलाई या अगस्त में ये एग्ज़ाम हो सकता है। तो आपके पास पूरा पर्याप्त समय है जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसकी पूरी तैयारी करने का, और तैयारी करके उसको रिवाइज करने का भी आपके पास पूरा समय रहेगा। उससे पहले अगर आपने फॉर्म भरा है तो पहले ये चेक कर लीजिए कि आपका फॉर्म अप्रूव हुआ है या रिजेक्ट हो गया है, और रिजेक्ट हुआ है तो किस कारण से हुआ है, इसको पहले चेक कर लें। और अगर आपका अप्रूव हो गया है तो आप प्लीज़ उसके लिए कड़ी मेहनत करिए, समय अब आपको पूरा मिलने वाला है इस ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है इसका, पहले तो जो ग्रुप डी एग्ज़ाम का, पहले तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा सबसे पहले, फिर फिजिकल टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो हमें सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे अभी ध्यान देना है, फिजिकल टेस्ट आप क्वालिफाई कर लेंगे। अच्छा हाँ, इसमें एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इसमें निगेटिव मार्किंग होगी, 1/3 निगेटिव मार्किंग होगी। तो अच्छे से तैयारी करें ताकि निगेटिव मार्किंग आपकी ना हो पाए और आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सही कर पाएँ। फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है इसके, मेल के लिए एक 35 किलोग्राम वजन लेकर 100 मीटर तक 2 मिनट के अंदर चलना है, ठीक है, तो इसको ध्यान देंगे। और 1000 मीटर 4 मिनट में दौड़ना है, 4 मिनट 15 सेकंड में, 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर 4 मिनट 15 सेकंड में आपको दौड़ना है, ये आपको पता होना चाहिए। और 35 किलोग्राम वजन लेकर आपको 100 मीटर चलना है 2 मिनट में, ये ध्यान रखना है। फीमेल के लिए क्या क्राइटेरिया है, फीमेल के लिए क्राइटेरिया जो मेल के लिए 35 किलोग्राम था वो फीमेल के लिए 35 किलोग्राम है, और टाइम सेम है, 100 मीटर 2 मिनट के अंदर चलना है, ये ध्यान देंगे। और फीमेल के लिए कितना दौड़ना है, 1 किलोमीटर 5 मिनट 40 सेकंड में, जो कि मेल के लिए कितना था, मेल के लिए 4 मिनट 15 सेकंड था, जो कि फीमेल के लिए 5 मिनट 40 सेकंड है। अब बात करते हैं कि सैलरी इन हैंड कितनी मिलेगी। देखिए, जो ग्रेड, जो इसका पे स्केल लेवल 1 है, तो 7th पे कमीशन के हिसाब से इसकी सैलरी 18,000 मिनिमम है। अब इसमें जितने भी अलाउंस हैं वो अगर जोड़ दिए जाएं तो ये सैलरी कम से कम 23 से 25 हज़ार आपकी हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, 23 से 25 हज़ार सैलरी हो जाएगी। ये अभी एंट्री लेवल की बात कर रहे हैं, अभी 2 या 3 साल के बाद आपकी ये सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपके जो प्रमोशन के चांस है, 3 साल अगर रेगुलर आप अगर सर्विस कर लेते हैं तो आपके प्रमोशन के चांस भी बढ़ जाते हैं, और इंटरनल एग्ज़ाम के थ्रू आप ग्रुप डी से ग्रुप सी में भी जा सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि सैलरी इसकी उतनी कम नहीं है जितनी दिख रही है, सैलरी आपको अच्छी खासी मिलेगी और आपको और भी कई फायदे मिलेंगे। तो इसके लिए पूरी कड़ी मेहनत करिए, एग्ज़ाम डेट अभी नहीं आई है, एग्ज़ाम की तैयारी करिए, पूरा समय मिला हुआ है आपको, और अपना चेक कर लीजिए फॉर्म कि कैसे आपका अप्रूव हुआ है या रिजेक्ट हो गया है और किन बेसिस पे ये रिजेक्ट हुआ है। तो थैंक यू माई वीडियो वॉचिंग माई वीडियो, और अगर आपको किसी भी तरह के एग्ज़ाम डेट आती है तो मैं आपको तुरंत अवेलेबल करा दूंगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको तुरंत पता चल पाए कि एग्ज़ाम डेट कब आने वाली है। थैंक यू वेरी मच।